जी हाँ, एक बड़ी खबर आज उत्तराखंड में घटी, या कहें कि कांग्रेस में जो भगदड़ मची थी उसका एक और हिस्सा आगे बढ़ा है। दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यशपाल आर्य और केदार सिंह रावत ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। यशपाल आर्य ने बीजेपी का दामन थामा है। अमित शाह ने यशपाल आर्य को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और इस दौरान विजय बहुगुणा, भवनचंद खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी, श्याम जाजू भी मौजूद थे। यशपाल आर्य को बाजपुर से ही टिकट देगी बीजेपी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और वैसे भी अगर उस सीट की हम बात करें तो वहां कोई ऐसा बहुत बड़ा चेहरा नहीं है जो बीजेपी की ओर से सीट पर दावा ठोक रहा था। यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य भी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि संजीव आर्य को नैनीताल सीट से टिकट मिल सकता है। वहीं पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केदार सिंह रावत, उन्हें यमुनोत्री से टिकट मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर है आज उत्तराखंड से, जहां एक बार फिर कांग्रेस को झटका दिया है और दो बड़े चेहरे, दो बड़े नेता जो यहाँ पर शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो चुनाव से पहले झटका और नुकसान कांग्रेस का, क्योंकि जो दो बड़े चेहरे पार्टी को छोड़कर आए हैं बीजेपी में, कहीं ना कहीं वो सीट उनकी पक्की है और ऐसे में ये बड़ा नुकसान कांग्रेस को दे सकते हैं और फायदा बीजेपी का होगा। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अमित शाह के आवास में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की यशपाल आर्य ने। उस दौरान भवनचंद खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी और साथ में विजय बहुगुणा मौजूद थे। दरअसल यशपाल आर्य अपने बेटे को लेकर भी काफी वक्त से टिकट की मांग कर रहे थे, तो कहा यह जा रहा है कि उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल सीट से टिकट मिल सकता है, जो आरक्षित सीट है। तो लेकिन देखना होगा कि वहां के दावेदारों का इस पर क्या रवैया रहता है। वहीं अगर यशपाल आर्य की बात करें तो जिस सीट से वो जीते आए हैं वहां कोई बहुत बड़ा विरोध झेलने को नहीं मिलेगा बीजेपी को। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरह से जब कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं की संख्या, खासतौर पर ऐसे नेता जो बड़ा चेहरा है राजनीति में, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में संतुलन कैसे बनेगा, जिम्मेदारियां किस तरह से तय की जाएंगी। तो चुनाव से ठीक पहले जिस तरह कांग्रेस को झटका लगा है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह से मिलकर पार्टी में शामिल हुए और थोड़े भावुक भी नजर आए, उनकी आंखों से आंसू छलक गए। इस मौके पर यशपाल आर्य ने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता था, लेकिन वहां मेरा अपमान हुआ और अब मैं बीजेपी में अनुशासन में रहकर काम करूंगा। मैंने भारी मन से कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, मैं पार्टी में किसी दौड़ में शामिल नहीं हूं। मैंने 40 साल तक कांग्रेस की सेवा की, लेकिन मुझे अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही अपना रास्ता भटक गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यशपाल आर्य जी, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन किया, उनसे बातचीत करते हैं। यशपाल जी, जिस दिन राहुल गांधी देहरादून जा रहे हैं उसी दिन आपने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। देखिए, कल ही मेरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई और जो प्रशांत किशोर जी हैं, विभिन्न विषयों पर, कांग्रेस के विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा भी हुई लगभग एक घंटा रात्रि को। लेकिन कुछ मेरे सवाल थे, कुछ मेरे प्रश्न थे, मैं उनके उत्तर मांग रहा था, लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है कि कांग्रेस में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है। आज मैं आया हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी का, जिन्हें जो मुझे सम्मान दिया, स्नेह दिया, श्याम जाजू जी का मुझे उनकी कृपा मिली और मैं भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मिलित हुआ हूँ। मैंने कोई न की है न मैंने कोई, मेरी कोई इच्छा है, मैं एक सिपाही हूँ, जो निर्देश होंगे, जो आदेश होंगे उसका परिपालन करना मेरा धर्म भी है, मेरा दायित्व भी है। सर, एक सवाल लेकिन उठ रहा है, यहाँ भी बीजेपी के कई कार्यकर्ता पूछ रहे थे कि जब समाचार पत्र ने स्टिंग ऑपरेशन किया, सरकार गिरने की नौबत थी, जब बीजेपी को एक एक विधायक की जरूरत थी, लगातार लोग आपसे बात कर रहे थे, हमारी भी आपसे बात हुई थी, आपने उससे कहा था, उस समय कहा था कि हमने सोचा नहीं, इतना लंबा समय क्यों सोचने में लगा दिया आपने कि बीजेपी की तरफ आना है? 40 साल में जवानी के दिन भी हैं जिसमें मैंने संघर्ष किया, मेहनत की, परिश्रम किया, कांग्रेस को खड़ा किया, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लेकर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे ज़्यादा कार्यकाल यशपाल आर्य का रहा एक मुख्य सेवक के रूप में। तो निरंतर पार्टी को सुसंगठित करने की दिशा में मैंने पहल की, लेकिन आज स्थिति बदल गई है, परिदृश्य बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से
पूरे देश में स्थापित किया है, लोगों का विश्वास जीता है, जनविश्वास जीता है, और जनविश्वास हासिल करना आसान नहीं होता है। तो यशपाल आर्या के बीजेपी ज्वाइन करने से तमाम दिग्गज और बड़े नेता मान रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी को फायदा होगा और हरीश कांग्रेस में अब सिर्फ हरीश ही रह जाएंगे, कांग्रेस तो वहां खत्म हो चुकी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन विनोद के साथ संतोष पाठक, समाचार प्रेस के लिए।